हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। हमारी शुगर किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर में यह फल पहले ही दिन से इम्यूनिटी बढ़ाए और स्ट्रेस कम करे। जी हाँ दोस्तों, शुगर में यह छोटा सा फल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और साथ ही स्ट्रेस भी कम करता है और साथ ही आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल करने में मदद करता है। स्ट्रेस के कारण शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसमें यह फल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस फल का फायदा आपको पहले दिन से नजर आने लगेगा। इस फल के बारे में बताने से पहले आप सभी से विनती करती हूँ कि नियमित दोनों समय सैर जरूर करें और आलस्य बिल्कुल ना करें। सैर करने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। आइए जानते हैं इस छोटे से फल के बारे में, जो शुगर वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर आपका शरीर टूटा टूटा रहता है और आलस्य रहता है और शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो आप इस फल का सेवन जरूर करें। आइए जान लेते हैं यह छोटा सा फल क्या है। यह अश्वगंधा का फल होता है और ये देखिए अश्वगंधा का पौधा, और ये ऐसे इस तरह से लगा होता है, इसके अंदर से ऐसे निकालना होता है ये फल। और इस फल की खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह फल आपको 12 महीने नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अप्रैल से शुरू होकर 3 महीने तक मिलता है। आप इस फल को ऐसे निकाल कर रखिए। अब जान लेते हैं अश्वगंधा के फल के सेवन के बारे में। आइए जान लेते हैं इसके सेवन के बारे में। आप इसके 15 से 20 फल एक समय में सेवन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये एक फल है, ऐसे 15 से 20 फल लेने और उनको चबा चबा कर सेवन करना है। आप चाहे तो ऊपर से पानी पी सकते हैं। अगर आप ऐसे खा सकते तो ऐसे खाइए, अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो ऊपर से पानी पीजिए। और इस फल का स्वाद थोड़ा खट्टा, थोड़ा कसीला और थोड़ा मीठा होता है। अगर आप इस फल का सेवन करते हैं तो इसका फायदा आपको पहले दिन से ही नजर आएगा। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ ही स्ट्रेस भी कम होगा। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई नई जानकारी पाते रहें। जय माता दोस्तों।